आज अपन क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मतलब आपके लिए कोई ऐसी चीज़ हो ना जो आपके लिए बेटर हो, और आपके लिए बेटर हो यही कह लेते हैं अपन डेवलपमेंट, यही हो। या फिर कुछ आपको जो अच्छा दे, जैसे आपको जो भी चाहिए वो दे आपको, जो आपको पहले नहीं मिल पा रहा था और उस चीज़ को अपन ने बेटर करके कुछ और कर दिया, जो आपको वो दे पा रहा है जो पहले नहीं दे पा रहा था, ये उसको डेवलपमेंट कहेंगे। तो आज इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट, गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज, ह्यूमन डेवलपमेंट, मेजरिंग डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज इस लेक्चर में अपन केवल और केवल गोल्स ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपके गोल तक ले जाने में हेल्प करे, उसके रास्ते को और इजी बनाए, ये आपके लिए डेवलपमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू गो इन एनी ऑफ द मेडिकल कॉलेज, तो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज और खुले, ताकि आपको और कम कॉस्ट में मेडिकल कॉलेज में जाने का मौका मिले, और गवर्नमेंट स्कूल को बेटर किया जाए, ताकि जो बेटर किया जाए ताकि और लोग गवर्नमेंट स्कूल में जा सके और गवर्नमेंट स्कूल खोले, तो ये डेवलपमेंट होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय द डेवलपमेंट? द डेफिनेशन इज, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच समथिंग ग्रोस बिकम मोर मैच्योर एंड एडवांस। ऐसी कोई चीज़ जो और अच्छी हो जाए, मैच्योर हो जाए, एडवांस हो जाए, उस प्रोसेस को अपन डेवलपमेंट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्कूल के सभी बच्चों को लैपटॉप दे दिए जाए फॉर स्टडीज़, तो ये आप सबके लिए एक डेवलपमेंट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्री। एक ऐसी ब्रांच है डेवलपमेंट जो डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने की तरफ ध्यान देती है, उसके लोगों को और भी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की तरफ ध्यान देती है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कंसिडर्स हाउ टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन सच कंट्रीज बाय इम्प्रूविंग फैक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, वर्किंग कंडीशन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड मार्केट कंडीशन। इकोनॉमी को बढ़ाने का क्या क्या तरीका है? हेल्थ इम्प्रूव करो। हेल्थ इम्प्रूव करने से क्या होगा मैं बताती हूँ। जैसे अगर हेल्थ इम्प्रूव होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर पाएंगे, बिकॉज अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी तो हमारे जो एडल्ट, जो वर्किंग पीपल की कंडीशन है, वर्किंग पीपल की पॉपुलेशन है, वो कम होती जाएगी, जैसे हमारी इकोनॉमिक फैक्टर पे अफेक्ट होगा। तो इसलिए हमारी हेल्थ कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो और वो एम्प्लॉय हो जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए उनको। वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए अच्छी, ताकि लोग वहाँ पर वर्क करना प्रेफर कर सके। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज अच्छी हो जाए, ताकि लोगों को हेल्प मिले इन सब पॉलिसीज के थ्रू, मार्केट कंडीशन और बेटर हो जाए। ये सब चीज़ें अपनी कंट्री की इकोनॉमी को प्रेफर करती हैं। तो आप एक बार ये पॉइंट देख लीजिए। ओके, सो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट गोल्स एंड इट विल हैव बाय डिफरेंट पीपल? सो अलग अलग पीपल के अलग अलग गोल्स होते हैं। आप अपने घर में ही देख लीजिए, आपकी जो बहन है वो क्या चाहेगी कि उसको भी अपने भाई जैसी फ्रीडम मिले, वो भी बाहर जाके घूमे, या फिर वो उसको भी फ्रीडम मिले। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक घर में एक भाई और एक बहन रहते हैं, तो जो भाई है वो ज़्यादातर टाइम बाहर स्पेंड करता है, बट जो उसकी बहन है वो ज़्यादातर टाइम अपने घर पर स्पेंड करती है। तो वो क्या चाहेगी, वो भी बाहर जाके घूमे और उसका जो भाई है वो उसके हाउस को में हेल्प करे। बट उसका भाई क्या चाहेगा, ऐसा नहीं चाहेगा, वो बाहर और घूमना चाहेगा। तो उसका डेवलपमेंट अलग होगा, उसके लिए बहन का डेवलपमेंट अलग होगा। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। ये स्टेटमेंट देखिएगा, इससे बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। जैसे मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया सिस्टर ब्रदर का, तो ब्रदर के लिए जो सिस्टर का डेवलपमेंट है वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव है, कन्फ्लिक्टिंग है। वाई? बिकॉज ही डोंट वॉन्ट टू हेल्प इन हाउस कोर्स, सो इट विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर हिम, बट इट विल बी द डेवलपमेंट फॉर हर सिस्टर।
तो एक सेकंड एग्जांपल समझते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्राइबल पीपल। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगी, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए डैम्स चाहिए, और डैम चाहिए तो उसके लिए जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो उस वहाँ पर रहने वाले लोगों को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल हमें इतना काट नहीं सकते, अब ज़्यादातर जंगल नहीं रहे नहीं। तो डैम्स बनाने के लिए हमें जो जगह चाहिए, वहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे, तो उन लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, तो उनकी उनसे उनका घर छिन गया ट्राइबल पीपल से। तो ट्राइबल पीपल के लिए डेवलपमेंट नहीं, एक डिस्ट्रक्टिवनेस हो गई, डिस्ट्रक्टिव हो गया, उनका पूरा लाइफ रुइन हो गया। बट इंडस्ट्रियलाइज्ड के लिए डेवलपमेंट हो गया। तो ये एग्जाम्पल था इस स्टेटमेंट का, जो एग्ज़ाम में आता है, कि एग्जामाइन द स्टेटमेंट और प्रूफ इट बाय द एग्जाम्पल और एक्सप्लेन इट बाय द एग्जाम्पल। तो मैंने आपको बता दी एग्जाम्पल दो, ये दो दोनों ही एग्जाम्पल लिख के आने हैं, बिकॉज ये 3 or 5 marks का क्वेश्चन आता है। सो जैसे लैंडलेस पीपल के लिए गोल क्या होगा, उनको ज़्यादा दिन के लिए वर्क दिया जाए, बेटर वेजेस, वेजेस मतलब उनको जो डेली की इनकम मिलती है वो ज़्यादा की जाए, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी दी जाए। रिच पर्सन के लिए होगा, उनको हायर इनकम दी जाए, बेटर एजुकेशन दी जाए उनके चिल्ड्रन को, उनको उनके चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप बनने का मौका दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, आज अपन ने पढ़ा डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल होते हैं, वो सिस्टर ब्रदर का एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्राइबल पीपल का एग्जाम्पल, डेवलपमेंट का मीनिंग देख लिया आज अपन ने, कि सम द प्रोसेस इन विच समथिंग बिकम मोर एडवांस एंड मैच्योर, और ये बहुत सारे फैक्टर्स के साथ होता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा। तो आज अपन ने ये सब कुछ देखा। थैंक यू।